डालेंगे कारोबारी दुनिया पर। आपको बताएं IDFC, IDB और SSC बैंक से 1.75 अरब डॉलर कर्ज की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन IDB और SS बैंक से 1.75 अरब डॉलर कर्ज की दरख्वास्त कर दी। जराये के मुताबिक IDFC, IDB और SC बैंक से कमोडिटी और कमर्शियल कर्ज हसूल के लिए दरख्वास्त की गई है। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन से 40 करोड़ डॉलर कर्ज कमोडिटी खरीदारी के लिए लिया जाएगा। और शारजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का आगाज कर दिया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का मुतहदा अरब अमारात में आगाज का मकसद पाकिस्तान और खरीजी रियासतों के कारोबारी अदारों के दरमियान तआवुन को बढ़ाना है। शारजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन अब्दुल्ला सुल्तान अलावेस ने कहा है कि PBS का आगाज चैम्बर के तहत काम करने वाले नेटवर्क में अहम इजाफा है। ऐसा इकदाम बाहमी तआवुन और शराकत दारी में इजाफे का बायस बनती है, जिससे हर कोई फायदा हासिल कर रहा है। और किसान इत्तेहाद का IPPs के खिलाफ धरना मुलतवी। किसान इत्तेहाद के रहनुमा खालिद भाट ने धरना मुलतवी करने का ऐलान करते हुए कहा है कि इंतजामिया ने 2 हफ्ते में IPPs से बात करने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा है कि महंगी बिजली से मुतल्लिक मुतालबात ना माने गए तो पूरी ताकत से दोबारा एहतजाज करेंगे।